चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म कर चुके थे, स्टैटिक फ्लूइड भी डायनेमिक फ्लूइड भी। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और मेंस के लिए भी स्पेशली। तो दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही आते हैं इससे। ठीक है, तो दो लेक्चर्स में इसको ख़त्म करेंगे। एक लेक्चर में हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसा होता है, KCL, KVL, कुछ सर्किट सोल्व करना सीखेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, अनबैलेंस्ड कैसे सोल्व करना है, ठीक है, वो सब। और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली RC सर्किट्स और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिसमें पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, मीटर ब्रिज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एज अ वोल्ट मीटर, ये सब हम पढ़ेंगे दो लेक्चर्स में। ठीक है, दो में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करंट क्या होता है वो सब आपको पता ही होगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है SI, एम्पियर, ठीक है, वो सब मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है कि सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है विच इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, जिसकी वोल्टेज V है और कंडक्टर की लेंथ है सपोज L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, हाई पोटेंशियल से लो तो राइट की तरफ, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा उल्टी डायरेक्शन में क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे आपके, तो जिस स्पीड से ये मूव करते हैं दैट स्पीड इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, और क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी सर्किट में। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज डिनोटेड बाय VD विच इज बेसिकली इक्वल टू, दो तीन फॉर्मूले इसके ध्यान देना, म्यू इंटू ई सबसे पहला, म्यू इज मोबिलिटी, ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, पता है ना ये सब, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसका, दिस VD इज इक्वल टू ई टाओ बाय एम, वेर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाओ इज रिलैक्सेशन टाइम, ये सब आपको करवाया गया होगा। रिलैक्सेशन टाइम इज बेसिकली टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक बार टकराया फिर उसके बाद अगली बार जब टकराएगा नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से उन दो इंस्टेंट्स के बीच में टाइम का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अच्छा, जो मेन फॉर्मूला आपको याद करना है जो जिस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, दैट इज VD इज इक्वल टू I बाय AnE, सबको आना चाहिए ये फॉर्मूला, VD इज ड्रिफ्ट स्पीड, ये सारे फॉर्मूले VD के ही हैं आपके, VD इज ड्रिफ्ट स्पीड, I इज करंट इन द सर्किट, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज यूनिफॉर्म, N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्ट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड स्मॉल E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपका फॉर्मूला। अब ध्यान से एक चीज देखो कि सपोज मैं इस कंडक्टर के अंदर ये क्रॉस सेक्शन लेता हूं, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है I, कितना करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा, सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, करंट कितना फ्लो कर रहा है तुम्हारा I, तो एक टर्म डिफाइन होती है, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया है A, तो एक टर्म डिफाइन होती है विच इज कॉल्ड J, दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, डायरेक्शन किधर होती है पता ही होगा सबको, जिधर करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में, सो दिस करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो दिस करंट डेंसिटी विल बी करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, सो VD का फॉर्मूला हमारा क्या आया, I बाय AnE, तो ये डिराइव भी करवाया गया होगा, क्या चीज क्या क्या है वो समझो, मैं डेरिवेशन नहीं करवाने जा रहा हूँ, I इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन में देगा डायरेक्टली,
ई इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वैल्यू पुट करो, वीडी आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक, अब एक टर्म और डिफाइन की जाती है, ठीक है, वो टर्म क्या है आपकी, दैट टर्म इज कॉल्ड जे, जे इज करंट डेंसिटी विच इज कॉल्ड करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां से करंट क्या हो जाएगा, यहां से करंट आपका हो जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अभी इस केस में क्या था, एरिया वेक्टर ऐसा, जे भी इधर, दोनों में एंगल जीरो, तो करंट कितना हो जाएगा जे इंटू ए, तो जे क्या हो जाएगा आई बाय ए। ठीक है, और अगर दोनों में कुछ एंगल है, सपोज ये ऐसा, तो एरिया वेक्टर किधर होगा आपका, ये जे ये, ठीक, दोनों में एंगल थीटा, अब बताओ कितना होगा करंट, दैट विल बी जे ए कॉस थीटा, तो जे कितना हो जाएगा आपका आई बाय ए कॉस थीटा। ठीक है, इस केस में क्या था, करंट इधर फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर ही, दोनों में एंगल जीरो, ठीक है, जे और ए में, तो उसके हिसाब से आपका आई आ जाएगा जे इंटू ए। तो बेसिकली आई विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज करंट डेंसिटी एंड एरिया। करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी आपकी। ठीक है, जैसे इस केस में ये एरिया भी इधर ही था, तो दोनों में एंगल जीरो, तो डायरेक्टली आ गया था, पर हर बार डायरेक्टली आए जरूरी नहीं है। सपोज ये क्रॉस सेक्शन आपका और करंट ऐसा जा रहा है, तो जे भी इसी डायरेक्शन में, पर एरिया आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों में कुछ एंगल आया, सो आई विल बी जे डॉट ए जे ए कॉस थीटा, सो जे विल बी आई बाय ए कॉस थीटा। ठीक, तो ये होता है आपकी करंट डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, करंट एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो अब आते हैं वापिस, सो वीडी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, VD is basically I by A, I by A is J, so J by N, ये याद रखना है, ये याद रख लो, वो याद रखना है, वो याद रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब इसमें एक चीज और आती है, तो J आपका कितना आ गया, N E V D। ठीक, इसी से हम आगे ओम्स लॉ पढ़ते हैं, एन ई वी डी कितना आया था आपका, वी डी आया था आपका म्यू इंटू कैपिटल ई, तो जे कितना आ गया आपका, जे इज एन ई म्यू ई। ठीक है, या ई कितना आ गया आपका, दैट इज वन बाय एन ई म्यू इंटू जे। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब जे इज इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट, क्योंकि एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई चार्ज, म्यू मोबिलिटी, म्यू क्या होता है आपकी मोबिलिटी, पता है ना, वीडी इज इक्वल टू म्यू ई में म्यू क्या है, मोबिलिटी, सो दिस इज कॉन्स्टेंट, सो जे को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई, ये सब पढ़ चुके हो गए आप, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा एक टर्म आती है आपकी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जे इज करंट डेंसिटी, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इसका, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, समझ में आ गया सबको, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका टेस्ट सीरीज में और नीट में भी कि ओम्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म बताओ, तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू, कैसे आया, वीडी क्या होता है आई बाय एनी, आई बाय ए को जे डालो, सो वीडी क्या हो जाएगा जे बाय एनी, जे क्या हो जाएगा आंसर एनी वीडी, एन ई वीडी, वीडी क्या है हमारा म्यू इनटू, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, म्यू इज मोबिलिटी, सो एन ई म्यू इंटू ई, एन ई म्यू का कॉन्स्टेंट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, या उल्टा भी आप कर सकते हैं, एन ई म्यू को नीचे ले आओ, तो एक फॉर्मूला और आ गया, ई इज इक्वल टू वन बाय एन ई म्यू, तो ई इज इक्वल टू रो इंटू जे, ये जनरली यूज नहीं होता है, रो क्या हो जाएगा आपकी रजिस्टिविटी, जस्ट उल्टा उसका, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है आपका रजिस्टिविटी, मतलब वन बाय एन ई म्यू, एन ई म्यू कंडक्टिविटी, 1 बाय एन ई म्यू रेजिस्टिविटी, नहीं भी याद करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया सबको, सो दिस इक्वेशन, दिस जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेयर जे इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं से हम ओम्स लॉ डिराइव करते हैं, दो मिनट लगेगा। जे क्या है बोलो, करंट बाय एरिया is equal to sigma into E electric field, that will be V by L, where V is potential difference across the conductor, एक result आएगा भी, L is length of the conductor, अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, V is equal to I
एल बाय ए इंटू वन बाय सिग्मा, दिख रहा है सिग्मा नीचे आ गया, और वन बाय सिग्मा कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, अभी अभी बताया था रेजिस्टिविटी, दैट विल बी रो इंटू एल बाय ए इंटू आई। देखो सही है, वन बाय सिग्मा कंडक्टिविटी का उल्टा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय रो, पता होगा ये बच्चों वाली चीज है। सो वी इज प्रपोर्शनल टू आई, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म और ये एग्जैक्ट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर हम एक कंडक्टर के अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सो दिस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आई। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल आता है दैट इज योर आर। ये सब आप अपनी नोटबुक में कर चुके होंगे, पर याद रखना फॉर्मूले, डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहता है। सो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आएगा आर, वेयर आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और कितना होता है वो, दैट इज रो एल बाय ए, यही तो आएगा। कंपेयर करो वी इज इक्वल टू आई आर, तो रो एल बाय ए। सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कुछ ऐसा, अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक, एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस हम कितनी लिखेंगे, दैट विल बी रो एल बाय ए। ठीक है, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक, चल आगे बढ़े। चलो ओम्स लॉ समझ में आ गया सबको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन आते हैं इसके भी, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सीधा याद रखना, रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी, दैट इज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस एट टी नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। वो क्वेश्चन में देगा आपको रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस टी नॉट पे, डेल्टा टी इज चेंज फाइनल टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टी नॉट, और आर टी क्या है आपका, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर कैपिटल टी, जिस पे आपसे मांगा है, दिख रहा है सबको, एंड अल्फा इज योर को एफिशियंट ऑफ, क्या होता है को एफिशियंट ऑफ, लीनियर एक्सपेंशन नहीं, को एफिशियंट ऑफ बोलो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अल्फा इज बेसिकली को एफिशियंट, जिसकी यूनिट क्या होगी आपकी, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, अच्छा अब ध्यान से दो चीजें सुनना, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आएंगी, कंडक्टिविटी जो है और रेजिस्टिविटी, पहली चीज तो दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, पहली बात तो ये ध्यान देना। ठीक है, दूसरी चीज क्वेश्चन कैसा आता है कि कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस बताओ कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, और सेमी कंडक्टर्स के लिए कैसे वेरी करती है, न्यूमेरिकल्स में आपने देखा होगा। तो एक चीज याद रखना, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है आपकी। ठीक है, मतलब एज कैपिटल टी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का भी सेम रिजल्ट है, रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए बढ़ती है, और उल्टा होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करते हैं। सीधा याद रखना, कंडक्टर के लिए इंक्रीज करेगी और सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का भी सेम रिजल्ट है, रो एट एनी टेम्परेचर टी दैट विल बी रो नॉट रेफरेंस पे वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ती है पर सेमीकंडक्टर की कम होती है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, निकालना आपको सेम फॉर्मूले से है, बस फर्क क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि अल्फा नेगेटिव तो ओवरऑल आर टी आर नॉट से छोटा, सो आर टी इज लेस देन आर नॉट, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज पॉजिटिव, सो अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए और नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे, क्वेश्चन सीधे आएंगे, अल्फा देगा आपको कोएफिशिएंट, डेल्टा टी वो आपको पता ही चली जाएगा, रेफरेंस आपको देगा किस टेम्परेचर में मांगा है वो, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज डालो आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कलर कोडिंग, उस पर भी क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ठीक है। जेई मेंस ने 19 में तो हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछा था, कलर कोडिंग, ठीक है। सो कलर कोडिंग में क्या होता है आपका, कलर्स रहते हैं आपके चार, तो वो कलर्स देख के आपको उसकी रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कलर, ठीक है, सिमिलरली यहाँ कुछ कलर, यहाँ पे कुछ और, ऐसे आपके कलर्स रहते हैं चार कलर्स, यहाँ पे कुछ और, ठीक है। तो पहला कलर बेसिकली आपको क्या बताता है, पहला कलर आपको बताता है फर्स्ट डिजिट, ये बताएगा आपको फर्स्ट डिजिट, ठीक। सेकंड आपको क्या बताता है, सेकंड आपको बताता है सेकंड डिजिट, थर्ड बताता है थर्ड डिजिट, एंड फोर्थ आपको बताता है फोर्थ डिजिट, ठीक है। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कलर्स देख के कैसे डिजिट्स और ये सब लिखने हैं। तो फर्स्ट आपको क्या बताएगा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड आपको क्या बताएगा, सेकंड डिजिट, थर्ड आपको क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है देखेंगे अभी, फोर्थ आपको क्या बताएगा, टॉलरेंस, ठीक। अच्छा अब कैसे देखना है वो, कलर डिजिट मल्टीप्लायर एंड लास्ट इज टॉलरेंस, ठीक। तो क्या है आपका, याद होना चाहिए सबको, ब्लैक ब्राउन विबग्योर उल्टा करो, वॉयलेट इंडिगो नहीं है, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक। उसके बाद ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर नो कलर, ये याद कर लेना, सबको याद होना चाहिए। डिजिट की बात करें ब्लैक जीरो, अब बढ़ाते जाओ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गोल्ड इन सब के लिए कोई नहीं है। मल्टीप्लायर 10 की पावर कर दो, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर -1, ये सब आगे, ठीक है। जनरली ये गोल्ड सिल्वर नो कलर ये डिजिट और मल्टीप्लायर में आते ही नहीं है, ये सिर्फ टॉलरेंस में आता है। टॉलरेंस की बात की जाए तो इनकी कुछ नहीं, ठीक है, सीधा होगी गोल्ड की 5%, सिल्वर 10% और नो कलर 20%, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन कैसे करने हैं, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है चार कलर्स आपके पास, रेड ब्लू ठीक है ऑरेंज और सिल्वर, इसकी हेल्प से उसकी रेजिस्टेंस लिखो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑप्शंस है आपके, ट्राई करो इसको। ऑप्शंस है ऑरेंज की जगह रेड ले लो, ठीक है, और ये रेड की जगह ले लो ऑरेंज, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा। ट्राई करो,
होम में सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर ये चार कलर आपके पास हैं तो इन कलर को देख के आप उसकी रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, ट्राई करो। इसके बाद आगे चलो हो गया, तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन आया। ठीक है, कैसे करने का है? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट कौन बताएगा? ऑरेंज। तो ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट क्या है आपकी? 3। फिर सेकंड डिजिट बताएगा ब्लू। ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है आपकी? 6। तो ये हो गया 36। थर्ड डिजिट आपको बताएगा मल्टीप्लायर, ठीक है? तो वो कौन है? रेड। रेड के लिए मल्टीप्लायर है 10 की पावर 2। तो 36 × 10 की पावर 2, ये होता है मल्टीप्लायर का मतलब। तो वो कितना हो गया? 3600 बराबर। और फिर आपको इसके बाद फोर्थ डिजिट बताएगा, मतलब फोर्थ कलर आपको बताएगा टॉलरेंस, ठीक है? सो टॉलरेंस जो है उसके लिए कलर क्या है? सिल्वर। फोर्थ कलर है सिल्वर, तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितनी होती है? 10%। मतलब ये जो आपका 3600 आया, तो इसमें 10% जो है वो टॉलरेंस है। तो 3600 का 10% कितना हो गया? 360। तो फाइनल आंसर विल बी 3600 ± 360। ये होता है कलर कोडिंग से आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। कर लोगे सॉल्व? अच्छा, उल्टा होगा, रेजिस्टेंस देख के कलर मांगेगा तब भी कर लोगे। तो उसमें आपको चार चीजें चाहिए होंगी, पहली डिजिट देखो, दूसरे डिजिट देखो उनसे कलर बनाओ, फिर मल्टीप्लायर देखो उससे कलर बनाओ, और लास्ट टॉलरेंस देखो उससे कलर बनाओ। कर लोगे सॉल्व? तो एक क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में भी और नीट में, अभी 2 साल पहले आया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कलर कोडिंग तक खत्म, उसके बाद आगे देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे दिया है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल आता है दैट इज योर रेजिस्टेंस विच इज रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। सबसे पहला सीरीज आता ही होगा, बच्चों वाली चीजें मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। अगर ये R1 है, दिस इज योर R2, तो R इक्विवेलेंट विल बी R1 + R2। ठीक है, क्या सेम होगा? करंट विल बी सेम, दोनों से जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, और V पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग होगा। ठीक है, सेकंड पैरेलल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस ज्यादा होगा? क्योंकि करंट सेम और V इज इक्वल टू IR होता है आपका, तो करंट सेम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ज्यादा, V हाई मतलब R हाई। तो जिसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा सीरीज में, मान लो एक 5 ओम है एक 10 ओम है, तो किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा?
तो किसके अक्रॉस होगा आपका, 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ठीक है, पैरेलल में, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, सपोज दिस इज योर आर वन, दिस इज आर टू, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बोलो कितना होता है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, तीन होंगे तो +1/R3, और आधे नालायक इसके बाद इसको रेसिप्रोकल नहीं लेता है, वो भी लेना है आपको। ठीक, क्या चीजें सेम होंगी, पैरेलल में क्या सेम होता है, वी, सो वी विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अलग अलग होगा, आई विल बी डिफरेंट, जैसे इसमें आई सेम था, कैसे आई डिवाइड होगा, सपोज ये आई है तो इसमें से आई वन और इसमें से आई टू। ठीक, क्या तरीका डिवाइड करने का, क्योंकि पोटेंशियल सेम, सो आई वन आर वन शुड बी इक्वल टू आई टू आर टू, इक्वेशन वन ये बनाओ, और सेकेंड आई से ही मिलके दोनों डिवाइड हुए हैं तो आई शुड बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन से आई टू की वैल्यू आई वन में डाल दो, यहाँ से आई वन आई के टर्म में आ जाएगा और आई टू भी आई के टर्म में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल होते हैं पर आते हैं। सो वी विल बी डिफरेंट और आई, सॉरी वी विल बी सेम एंड आई विल बी डिफरेंट, आई किस में ज्यादा होगा, आई क्या होता है, वी बाय आर वन, क्या वी दोनों के अक्रॉस सेम, तो आर जिसका ज्यादा उसके लिए करंट कम, सो आई इज लेस व्हेन आर इज हाई, इसमें उल्टा था, रटना नहीं है, कैसे किया वो समझो, इसमें वी इज इक्वल टू आई आर यूज किया, आई सेम था तो आर ज्यादा तो वी ज्यादा, इसमें क्या किया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी सेम तो आर ज्यादा तो आई कम, तो आई लेस मतलब आर हाई, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो तीन चीजें इसमें आपको याद रखनी है, पहली चीज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है, ठीक, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है आपका KCL, आधे लोगों को अभी तक ये यूज नहीं करना आता है, KCL इज बेसिकली किरचॉफ्स करंट लो, ठीक है, ये शॉर्टकट है न्यूमेरिकल सोल्व करने का, क्या बोलते हैं ध्यान से समझना, सपोज ये कोई करंट है I, ये I1 मान लेते हैं, ये गया I2, ये गया I3, ठीक है, सो ये क्या बोलता है किरचॉफ्स करंट लो, नेट आउटगोइंग करंट या इनकमिंग, नेट आउटगोइंग या इनकमिंग करंट फ्रॉम, आउटगोइंग के लिए फ्रॉम लगेगा ऑब्वियसली और इनकमिंग के लिए टूवर्ड्स अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, एक जंक्शन की तरफ आउटगोइंग या जो इनकमिंग करंट होता है वो हमेशा कितना होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, मतलब ये I2 गया, I3 गया, I1 आ रहा है तो जाएगा कितना, माइनस I1, तो क्या लिख सकते हो, I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू जीरो, या I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, स्केलर फॉर्म में करंट ऐड होता है, मतलब ये 8 आया तो यही 8 तो जाएगा, तो अगर 3 इसमें गया, सपोज दिस इज 8 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर, तो ये कितना होगा आपका, 5 एम्पियर, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, चलो कर लोगे, KVL मतलब आपको क्या पकड़ना है, KCL लगाने के लिए एक जंक्शन पकड़ना है आपको, उस जंक्शन से जितना करंट बाहर जा रहा है कितनी भी डायरेक्शन में, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, ऐसा मान लो, मतलब ये कुछ ऐसा जंक्शन है, तो इधर जो करंट मान लो I1, इधर मान लो I2 और इधर मान लो I3, तो आपको क्या यूज करना है, हमेशा I1 प्लस I2 प्लस I3 नेट आउटगोइंग करंट दैट विल बी जीरो, या इनकमिंग मान लो तब भी आपको यही यूज करना है। और फिर करंट लिखोगे कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर डिवाइडेड बाय आर, वी बाय आर। ठीक है, अभी कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में देखेंगे। केवीएल क्या होता है, केवीएल होता है, ये किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन आ चुका है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, केवीएल क्या होता है आपका, केवीएल होता है इन अ क्लोज लूप, सबसे पहले तो एक क्लोज लूप में लगेगा, हमेशा याद रखना, सो इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स ऑफ बैटरी, ईएमएफ पता ही होगा सबको, ईएमएफ्स ऑफ बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर उस क्लोज लूप में है सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो आईआर से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आईआर, और सारी की सारी जो बैटरीज उस क्लोज लूप में लगी है सबका ईएमएफ निकालो, और प्लस साइन कब लेना, माइनस साइन पता है ना सबको,
उन सब का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज जीरो। ये होता है आपका केवीएल। तो अच्छे से नोट करो इसको। सो केवीएल इज बेसिकली डिफाइंड एज, मतलब केवीएल की डेफिनेशन क्या है कि इन अ क्लोज लूप, क्लोज लूप में क्या होता है, जितने भी बैटरीज हैं उनकी सबकी जो ईएमएफ है उनका सम और जितने भी रजिस्टर है सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबका सम, वो हमेशा कितना होता है, जीरो। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व, सीधा याद रखना, ठीक है। अब मतलब क्या है, मैं एक ही क्वेश्चन को केसीएल से सोल्व करवाता हूं और केवीएल से, ठीक है, आपका मन, आपको जैसे भी सोल्व करना है, ठीक है। आते ही होंगे सबको सर्किट सोल्व करने, पर कुछ लोगों को डाउट होते हैं इसमें, तो मैं वो सोल्व करवा रहा हूं। देखो ध्यान से कैसे करना है, सपोज एकदम इजी वाला करते हैं, फिर एक मुश्किल और करेंगे और बाकी अपने आप कर लेना सोल्व। सपोज ये 8 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, तो मैं इसको दोनों से सोल्व करा रहा हूं, केवीएल से भी केसीएल से भी, एंड दिस इज 20 वोल्ट। क्वेश्चन है हर एक रजिस्टर से करंट निकालो, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, और ये और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो सीरीज में होगा, तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इसके अक्रॉस दोनों का सम मिलके 20 होना चाहिए, ठीक। पहला मेथड तो एकदम बेसिक जो सबके दिमाग में आता है, सर्किट सोल्व कर लो। 6 3 पैरेलल दैट विल बी 2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, याद है, 2 + 8 10, तो I विल बी V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट दैट इज 2 एम्पियर, सो टोटल करंट होगा 2। अब 2 में से डिवाइड होगा इधर, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, और कितना आएगा बोलो, I1 हो जाएगा V बाय R1 और I2 हो जाएगा V बाय R2, V दोनों के क्रॉस सेम होगा, रेशो लो, I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, दैट इज 6/3 2, सो I1 इज 2 I2, तो इसमें जो है वो डबल करंट जाएगा और इसमें इसका आधा, तो दो में डबल करंट, मतलब ये होगा आपका 4/3, कर लोगे ना, इतना मैथ आता होगा, और ये होगा आपका 2/3। चेक कर लेना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस आएगा 4 वोल्ट, V इज इक्वल टू IR, और इसके अक्रॉस भी आना चाहिए 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना, V इज इक्वल टू IR, 2 × 8 16। चेक करने का तरीका, 4 ये 16 ये, तो टोटल 20। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, इसको हम सोल्व कर सकते हैं KCL से भी। अब वो कैसे करना है ध्यान से सुनो, KCL से कैसे सोल्व करना है, दिस इज योर 8 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, ये है आपका 20 वोल्ट, ठीक। फिर से क्वेश्चन सोल्व करना है, हर एक से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, हर एक से करंट निकालो, ठीक। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब ये मैंने जंक्शन पकड़ा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल जीरो लेता हूं तो क्या ये 20 ऊपर होगा, तो ये 20, या यहां का जीरो लोगे तो ये -20 होगा, 20 कम, ये तो आता है ना सबको, ये 20 तो डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है तो ये 20, एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, जो भी पॉइंट डायरेक्टली मेटल वायर से कनेक्ट होंगे दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, ठीक। ये जीरो तो ये भी कितना आपका जीरो, ये 20 तो ये 20 नहीं होगा, ठीक। ये मान लेते हैं कितना पोटेंशियल पे है, V पे, ये V तो ये पक्का कितना, V। अच्छा अब KVL क्या बोलता है, अब ध्यान, KCL क्या बोलता है ध्यान से सुनो, एक जंक्शन पकड़ो, ये पकड़ा, यहां से नेट करंट भेजो I1 I2 I3, भेजा, नेट आउटगोइंग करंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो, सो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो यहां तक समझ में आया, KCL यही तो बोलता है, I1 ये करंट क्या, I होगा V बाय R, V मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा, V माइनस 20 की 20 माइनस V, आधे उसी में कंफ्यूज होते हैं, तो जो आपने करंट की डायरेक्शन मानी है, आपने ये मानी है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, तो आपने माना है कि ये हाई पोटेंशियल, तो जो आपने माना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, सो कितना आएगा बोलो, V माइनस 20, दिख रहा है सबको, डिवाइडेड बाय R, IV बाय R, प्लस I2 ये करंट, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय R, दैट विल बी V माइनस 0/6, दिख रहा है, V माइनस 0/6, I3 ऊपर वाला, दैट विल बी V माइनस 0/3, दैट शुड बी इक्वल टू 0, LCM बोलो कितना, 24, तो ये हो जाएगा 3V माइनस 60 प्लस 4V प्लस 24
हो जाएगा 8v, दैट शुड बी इक्वल टू 0, 8 4 12 3 15 वोल्ट इज इक्वल टू 60, वी इज इक्वल टू आ गया 4। तो 4 वोल्ट आपका यहां का पोटेंशियल आ गया, बस खत्म अब कहानी। तो 8 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, 20 माइनस 4 16, वही आया था 16, और करंट कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8 2, वही आया था। 6 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 0 ऑब्वियसली 4, इसके अक्रॉस भी 4, दोनों पैरेलल में है, और 4 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट कितना आएगा v बाय r, तो 4 बाय 6 2 बाय 3 दोनों आंसर आ जाएंगे आपके। तो ये यूज है आपका KCL का। सिमिलरली KVL, KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लोगे? KVL में आपको क्या मानना है, एक क्लोज लूप मानना है, ठीक है, वो मान के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में KVL थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि KVL आपको मतलब लगाना ही नहीं है, इस क्वेश्चन में लेंदी जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें KVL से आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है, तो आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो KVL में मैं बता दे रहा हूँ 20 वोल्ट, ठीक। KVL लगाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या मानना है, करंट मानना है, सबसे पहली चीज ध्यान देनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या लिखना है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आपको आई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज आई आर, ठीक। तो सबसे पहले आपको करंट मानना है, इस पूरे सर्किट में तो एक ही बैटरी है, कभी कभी क्वेश्चन आता है 3 बैटरी 4 बैटरी भी देगा, तो किसी एक बैटरी से आपको करंट मानना है, और वो करंट केवीएल लगाने से पहले आपको आराम से हर एक ब्रांच में डिवाइड करना है। पहला स्टेप, स्टेप वन इज डिवाइड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, और एक ही बैटरी से आपको करंट लेना है, 4 बैटरियां तो चारों से करंट नहीं लेना है। तो ये मैंने करंट मान लिया आई, क्या ये आई ही जाएगा यहां तक, ठीक। अब ये आई यहां जाके डिवाइड होगा, तो ऊपर मैंने मान लिया आई वन, क्या मैं नीचे मान सकता हूं आई माइनस आई वन, बिल्कुल। अब ये दोनों यहां मिलेंगे और यहां वापस हो जाएगा आपका आई, और आई चला गया, और चेक कर लेना जितना गया था उतना ही वापस जाना चाहिए आपका। अब लगाओ केवीएल, सबसे पहले मैंने काम क्या किया, करंट माना हर ब्रांच में, अब केवीएल लगाते हैं। लगाओ, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, स्टेप टू काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दो आई और आई वन, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए सोल्व करने के लिए, दो, मतलब दो क्लोज लूप चाहिए आपको, क्योंकि केवीएल हमेशा क्लोज लूप में लगेगा। तो पहला क्लोज लूप ये वाला बड़ा दिख रहा है, करो स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, पर लौट के आपको उसी पे आना, क्योंकि क्लोज लूप की बात कर रहे हो आप। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपका मन, मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, यहां से करो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, राइज हो रहा है तो 20, तो बैटरी का ईएमएफ ऐसे लिखना है। अगर जाते वक्त पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव, तो ड्रॉप होता तो माइनस लिखते, आता है सब, यहां कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये देखो सेम डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस, करंट जिस डायरेक्शन में, आप पहले बात तो आपने करंट मानना है, पहला स्टेप वो मान लिया आपने। अब करंट मानने के बाद आपको चलना है एक क्लोज लूप में, अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी माइनस आई आर। अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है रजिस्टर से, तो आएगा प्लस आई आर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली आई आर होता है आपका। तो माइनस कब समझ में आ गया, वेन यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, और प्लस आई आर वेन यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। करो, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई इंटू आर, 8। आगे बढ़ो, अभी भी सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी माइनस आई, आई कितना इस बार, आई माइनस आई वन इंटू आर 6, दैट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि पूरा खत्म, दैट शुड बी इक्वल टू 0। केवीएल क्या बोलता है, फिर से याद करो स्टेटमेंट, सारी की सारी बैटरीज का ईएमएफ और सारे के सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम, ये हमेशा कितना होगा क्लोज लूप में, 0, वही तो किया है मैंने। अब बैटरी का ईएमएफ का साइन कैसे लेना है समझ में आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर उसका साइन कैसे लेना है, तो सबसे पहले तो करंट मानो, उसके हिसाब से फिर साइन लो। चलो इक्वेशन बनाओ, यहां से क्या आएगी बोलो फटाफट, 20 माइनस 8i माइनस 6i माइनस 49, थोड़ा सा मैथ लगेगा, प्लस 6i1 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 माइनस 7i प्लस 3i1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन अब ऊपर के क्लोज लूप में लगाते हैं ये वाले, ठीक, और यहां से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं, वो भी तो क्लोज लूप है, हमेशा क्लोज में लगाना, ध्यान देना। लगाओ, यहां से अब ऐसे जा रहे हैं उल्टा, करंट ऐसा जा रहा है तुम ऐसा जा रहे हो, तो प्लस आई आर, तो आई माइनस आई वन इंटू 6,
ऊपर सेम जाओगे तो माइनस थ्री आई वन, क्या घूम के उधर ही आ गए, इज इक्वल टू जीरो। डालो सिक्स आई माइनस सिक्स आई वन माइनस थ्री आई वन नाइन आई वन, कितना आ गया बोलो, टू आई इज इक्वल टू थ्री आई वन। तो थ्री आई वन की वैल्यू टू आई इसमें डाल दो, कितना आया बोलो, टेन माइनस सेवन आई प्लस थ्री आई वन की जगह हो जाएगा टू आई, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। टेन इज इक्वल टू फाइव आई, आई इज इक्वल टू टू वोल्ट, सॉरी टू वोल्ट नहीं एम्पियर, आई टू आ गया, इसमें डालो टू इंटू टू फोर, तो आई वन कितना आ गया, फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री आई वन, मतलब इससे क्या यही आंसर है आपके, मैच कर लेना, कर लोगे। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप केवीएल से भी कर सकते हैं, केसीएल से भी कर सकते हैं, और जनरल आप सर्किट सॉल्व करके भी कर सकते हैं, पर सर्किट हर बार सॉल्व होगा ये जरूरी नहीं है, तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, हर ब्रांच से करंट निकालो, किधर जाएगा, मतलब इसमें ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर, ठीक है, इसमें राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और कितना जाएगा वो सब निकालना है। अब देखने में अब ये सर्किट आप सॉल्व नहीं कर सकते, कौन सीरीज कौन पैरेलल पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में केवीएल ज़्यादा आसान है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे आसान तरीका क्या है, ये जीरो मान लो, क्या है 20 ऊपर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 20, ये जीरो डायरेक्टली वायर से कनेक्ट, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, अच्छा ये जीरो तो ये ऊपर 10 दिख रहा है। अब ये वाला ना तो ये 20 होगा ना 10 होगा, क्योंकि बीच में रजिस्टर लगे हैं, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका, है ना, तो इसको मान लो कितना V, ये पहला मेथड है KCL वाला, KCL से मान लिया इसको V, मतलब अगर मेरा V आ जाए मेरे सारे आंसर आ जाएंगे, फिर से स्टेप वही, हर जगह क्या मान लो करंट, नेट आउट गोइंग करंट शुड बी जीरो, और करंट क्या होगा V बाय R, कर लो सॉल्व, सो V माइनस 20 बाय 5 प्लस वी माइनस जीरो बाय टू प्लस वी माइनस टेन बाय फोर, दैट शुड बी जीरो, कर लोगे सॉल्व, वी आ जाएगा, वी आ गया आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, केवीएल कर ही लेते हैं, चलो इसको 20 एलसीएम, चार वी माइनस 80 प्लस 10 वी प्लस 5 वी माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कितना है बोलो, 4 और 5 9 वी और 10 19 वी, माइनस 80 माइनस हो तो 130, सो वी इज 130 बाय 19, कर लोगे आगे सॉल्व, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 के क्रॉस 20 माइनस 130 बाय 19, दैट इज 380, दैट इज 250 बाय 19, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद जो पूछा है वो आ जाएगा, कर लोगे सॉल्व, चलो ठीक है। सेम इसको केवीएल से कैसे कर सकते हैं, केवीएल से कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक बैटरी से करंट मानना पड़ेगा, तो ये आई मान लो, केसीएल से समझ में आ गया कैसे किया, आई मान लो। अब पहले तो सबसे पहला काम, हर ब्रांच में करंट मानो आई, ये मान लो कितना निकल गया आई वन, तो ये कितना गया आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन ऊपर से आई वन आएगा, तो ये मिलके आई वापस गया, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, दो, आई और आई वन, तो दो इक्वेशन चाहिए, तो एक बनाओ इस क्लोज लूप में, कहीं से भी स्टार्ट होके किसी भी डायरेक्शन में जाओ, और एक बनाओ इस क्लोज लूप, सोल्व करो आई आई वन आ जाएंगे, कर लोगे सोल्व, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज, नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और ये एक टाइप का हो ऐसा जरूरी नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग टाइप के भी होते हैं आपके, ठीक है, वो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज टी, दिस इज आर, दिस इज एस, पांच रजिस्टर होते हैं आपके रजिस्टेंसेस, और ये आपकी बैटरी है वी वोल्ट की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, पी डिवाइडेड बाय क्यू दैट शुड बी इक्वल टू आर बाय एस, ये बाय ये का रेजिस्टेंस अगर ये बाय ये के इक्वल है तो वो आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। सो इफ पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस तो वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, और अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो टी को आप इस सर्किट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या आएगा, करंट बताओ कितना होगा, तो पी और आर सीरीज
इक्विवेलेंट निकालो, क्यू एस सीरीज इक्विवेलेंट निकालो, दोनों का आपस में पैरेलल सोल्व करो। कर लोगे? चलो ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप बनते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, चेक कर लोगे? तो क्वेश्चन है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो, तो ये बी, ये भी बी, ये भी बी ठीक, ये सी मान लो, ये सी, ये डी मान लो, ये भी डी, और ये आपका ई हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ पे होगा एक, ये भी आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो, हर एक की रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? ये ए तो ये भी है, क्योंकि डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है, तो सेम पॉइंट पोटेंशियल, तो सेम पॉइंट नाम दे सकते हो, तो ये भी है, वो बी, वो बी, वो बी। अब ये मान लो सी, तो ये भी कितना सी डायरेक्टली, ये डी तो ये भी डी। अब अलग से बनाओ, ए और बी इनके बीच में निकालना है तो सबसे दूर रखो ठीक। अब बारी बारी से रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ये सी मान लिया मैंने, ये डी मान लिया। अब ध्यान से सुनना, पहला ए और सी के बीच में बनाओ ठीक, हो गया काम उसका। सी और बी के बीच में ये भी हो गया, सी और डी के बीच में ये भी हो गया, ए और डी के बीच में ये भी हो गया, डी और बी के बीच में ये भी हो गया ठीक। क्या ये बाई ए का रेशियो ए बाई ए के इक्वल है, तो इसको सर्किट से उड़ा दो, तो इक्विवेलेंट कितना, आर आर सीरीज टू आर टू आर टू आर टू आर पैरेलल आर, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी आर ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक है। इसके भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, पर नीट में आज तक आया नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है ठीक है। न्यूमेरिकल से ही देखेंगे कैसे सोल्व करना है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझ में आ गया? सो अनबैलेंस्ड में क्या होगा, ध्यान से देखो। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सपोज ये है आपका दो, ये है आपका चार, ये है आपका आठ, ये है आपका चार, और ये है आपका दो, और ये है बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। क्वेश्चन है सर्किट से करंट निकालो, बैटरी कितना करंट देगी वो बताओ। तो ध्यान से देखो, तो देखने में लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर ये है नहीं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, पी बाय क्यू का रेशो आर बाय एस के इक्वल होना चाहिए, मतलब 2/4 और 4/2 रेशो इक्वल थोड़ी ना है। अगर होता तब हम 8 को उड़ा देते, ये सीरीज आपस में पैरेलल ऐसा सोल्व कर देते, पर अब नहीं है तो कैसे करना है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। होता क्या है, सिमिट्री की वजह से अगर इसमें से I1 करंट जा रहा है और इसमें से जा रहा है I2, सपोज ये I करंट इसने दिया, यहां जाके डिवाइड होगा, मान लो ये I1 ये I2, तो सिमिट्री की वजह से क्या होगा, ये यहां से निकलेगा, इस 2 से कितना गया I1, तो इधर भी I1 जाएगा, और इससे कितना गया I2, तो इधर भी I2 जाएगा ठीक है यहां तक। और ये दोनों मिलके वापस यहां कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 विच इज I, और यहां पे भी कितना आया था I ठीक, ये समझ में आया। तो सिमिट्री की वजह से जो 2 ओम से करंट जाएगा वही नीचे वाले से जाएगा, और जो इधर 4 ओम से जाएगा वो उधर से जाएगा, पहली बात तो ये समझ में आई। अच्छा अब दूसरी चीज, क्वेश्चन ऐसा भी आता है 8 ओम से बताओ कितना करंट जाएगा, तो उसके लिए पहले मुझे पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा कैसे। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये मैं मान लेता हूं 0 पोटेंशियल, तो ये 100 ज्यादा, सो दिस विल बी 100, ये 100 तो ये 100 तो ये भी 100 बराबर, सेम पोटेंशियल क्योंकि सेम वायर से कनेक्ट है, मेटल वायर से, 0 तो ये भी कितना 0। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये मान रहा हूं वी, कितना मान रहा हूं वी, तब बहुत ध्यान से देखना,
इस चार को ध्यान से देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुमने कितना मान लिया, वी माइनस जीरो विच इज वी, ठीक। क्या इसके क्रॉस भी सेम होगा? क्यों? क्योंकि चार से करंट वही जा रहा है जो इधर जा रहा है, तो करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो तुमने इस चार के क्रॉस माना वी, वी माइनस जीरो से, तो इसके क्रॉस भी वी होगा। वो कितना, कैसे होगा? ये 100, तो ये कितना होगा? 100 माइनस वी, दोनों को माइनस करो, 100 माइनस 100 माइनस वी विच इज वी। तो इस चार के क्रॉस भी वी आया, इस चार के क्रॉस भी वी आया, और वैसा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट सेम होगा सिमेट्री की वजह से, और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में सेम है, तभी तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। वी सेम होगा बिकॉज आई इज सेम, आर इज सेम, ठीक है। सिमिलरली इस टू को देख लो, या तो इस टू को देखो ध्यान से इधर, तो इस टू के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 100 माइनस वी इधर, 0 इधर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 माइनस वी। क्या इधर भी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस टू के क्रॉस ये है 100, ये है वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 माइनस वी। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, सिमिट्री की वजह से जितना ऊपर से करंट जाता है, सपोज 2 ओम लगाए यहाँ पे, तो उतना ही नीचे वाले 2 ओम से भी जाएगा, या जितना इधर 4 ओम से जा रहा है उधर ऊपर भी 4 ओम से उतना ही जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, क्योंकि करंट सेम जा रहा है सिमिट्री की वजह से, और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो वी विल बी सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहाँ पे आप 0 मान के इधर 100 लेके यहां तक आ गए, अब उसके बाद ये पॉइंट का पोटेंशियल आपने वी मान लिया, ठीक। अब इसके क्रॉस हो गया 100 माइनस वी, तो उतना इसके क्रॉस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इस पॉइंट का आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो बस मैं वी निकाल दूं, मेरे सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक। बस मुझे वी निकालना है। अब वी निकालने के लिए क्या लगा दो? केवीएल, सॉरी केसीएल। ये वी, ये टू, ये कितना 100, ये 8, ये कितना 100 माइनस वी, अलग से बना रहा हूं मैं, ये 4, और ये कितना 0, दिख रहा है सबको? बस मुझे वी निकालना है। तो हर जगह क्या भेज दो? करंट, नेट करंट का सम 0, फटाफट करो। अब तो एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। वी माइनस 100 बाई 2 प्लस वी माइनस 100 माइनस वी डिवाइडेड बाई 8 प्लस वी माइनस 0 बाई 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0, यही तो होगा, नेट करंट का सम 0। अच्छा, अब क्या करें? 8 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4v माइनस 400, 8 एलसीएम तो हो जाएगा 2v माइनस 100, 8 एलसीएम तो हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 0, 4v, 6v, 8v, सो 8v इज इक्वल टू 500, v इज इक्वल टू 62.5 वोल्ट। आ गया, सब कुछ आ गया, अब v आ गया आपका 62.5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 62.5 विच इज 37.5। खत्म सवाल। अब तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 100 माइनस 62.5, दैट इज 37.5, तो करंट विल बी, I1 की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, दैट विल बी 18.75 एम्पियर। सिमिलरली 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सो I2 की वैल्यू विल बी पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 62.5 अपॉन 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 15.625, ठीक। सो 18.75 और ये हो गया 15.625, कर लोगे आगे सोल्व? चल, तो नेट करंट भी मिल गया, सो नेट करंट इज I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका अनबैलेंस्ड का कंसेप्ट, समझ में आ गया सबको? नोट कर लो इसको अच्छे से, जल्दी। अभी भी टाइम है हमारे पास, 6-7 मिनट है अभी, इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, बाकी नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में, तो कल कंप्लीट हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। शीट मिलेगी इसकी, उसको सॉल्व करो, केसीएल अच्छे से समझो, केवीएल अच्छे से समझो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत मिलेगा टेस्ट सीरीज में। तो क्वेश्चन क्या है, दिस इज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम आता ही होगा वैसे सबको, 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 8 ओम,
और ये 20 वोल्ट, ये किसी सर्किट की ब्रांच है, ठीक है, पूरा सर्किट नहीं बनाया, किसी सर्किट की ब्रांच है। तो क्वेश्चन है इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, कर लोगे सॉल्व, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई करो जिसको आता है, बाकी लोग ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये 10 है बराबर, अब देखो ड्रॉप हो रहा है 20 का, तो ये वाला कितना होगा -10। अच्छा राइज होता तो 30 हो जाता, ये 20 है, अच्छा ये 5 है, चलो ये V है और 10 का राइज हो रहा है, तो ये कितना होगा V+10। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब केवीएल केसीएल लगा दो, इस जंक्शन से नेट आउटगोइंग करंट का सम क्या होगा? 0। लिखो आउटगोइंग करंट I1, ये I2 मान लेते हैं, I3, अब तो आना चाहिए सबको। I1 बोलो करंट क्या होता है? V/R, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V-10, ध्यान देना, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4, प्लस I2 बोलो V-5/2, प्लस I3 बोलो, I3 रजिस्टर के अक्रॉस लिखना होता है, ध्यान देना, तो ये, तो इसके अक्रॉस कितना? V+10-20, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 8, दैट शुड बी इक्वल टू 0, खत्म। अब सॉल्व कर लो, V+10/4 प्लस V-5/2 प्लस V-10/8, एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे सॉल्व। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेल्स, ठीक है, आज हो पाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले ही हमको पढ़ने हैं। तो सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, फिर कल बचता है थर्मल इफेक्ट, उसमें हम पढ़ेंगे हीट कितना होता है, I²RT, ठीक है, पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला थ्योरम आती है वो पढ़ेंगे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स उस पर भी क्वेश्चन आजकल आते हैं वो पढ़ेंगे, और RC सर्किट वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद डिवाइसेस, पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हो गया तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत बचेगा वो उसके अगले लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेडनेसडे को। सो वेडनेसडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो सेल्स, तो सेल्स में क्या होता है सबको पता है, सेल में ये होता है आपका EMF, E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब EMF कैसे डिफाइन होती है सबको पता होगा, EMF का सिंबल E होता है, कैसे डिफाइन होती है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज सप्लाइड बाय द बैटरी, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, सप्लाइड बाय बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? ऑब्वियसली टर्मिनल्स के अक्रॉस, अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है। सपोज ये बी है, ये ए है, तो टर्मिनल क्या है? ए और बी, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA-VB, ठीक है, उसी को EMF के इक्वल बोलेंगे, हर बार नहीं, ध्यान देना, ये गलती होती है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में। सो बेसिकली EMF ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज सप्लाइड बाय द बैटरी, जब बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है, या एक और बोल सकते हैं इसको ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट होगा तो बैटरी करंट क्यों देगी? तो अगर बैटरी कोई करंट नहीं दे रही है, इफ I इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब जो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड EMF। कैसे निकाल लो? KVL लगाओ, ए से स्टार्ट हुए आता है ना लगाना, VA, जहां से स्टार्ट हुए वहां का पोटेंशियल लिखो VA, क्या ड्रॉप हो रहा है? -E, क्या आर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि करंट नहीं है, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, पर करंट ही नहीं है ना, 0। कहां पहुंच गए? बी, तो जहां पहुंच गए वहां का पोटेंशियल लिखो VB, ऐसे KVL लगाना है। मैंने जो KVL सिखाया था वो क्लोज लूप में सिखाया था, पर अगर क्लोज लूप ना हो के एक ब्रांच हो तो उसमें भी KVL आप लगा सकते हैं, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन भी देखेंगे एक दो स्टार्टिंग के, ठीक है, आज थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, ग्रुपिंग कल ही पढ़ेंगे इसकी। तो सेल्स में क्या होता है, एक EMF होती है आपकी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब तीन केसेस हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहला केस EMF डिफाइन कैसे की जाती है। तो किसी भी सेल की EMF का मतलब होता है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज सप्लाइंग 0 करंट, ठीक है, या ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, मतलब अगर ये ओपन सर्किट है तो ऑब्वियसली सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट कहां से आएगा,
ठीक है, तो बैटरी करंट नहीं देगी, तब जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड योर ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, हमने उसको गॉस लॉ कह रहा, हमने उसको केवीएल से भी प्रूव किया। अब केवीएल मैंने सिखाया था क्लोज लूप में, आप आधे लूप में मतलब एक ब्रांच में भी केवीएल लगा सकते हैं। सपोज दिस इज 5 वोल्ट, मैं सिखा रहा हूँ केवीएल कैसे लगाना है, ये 2 ओम और 2 एम्पियर करंट है, ये ब्रांच है एक सर्किट की एंड दिस इज 5 वोल्ट। क्वेश्चन है ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो स्टार्ट करो केवीएल लगाना, यहां से यहां चलते हैं, तो जहां से चले वहां का पोटेंशियल 5, क्या उल्टा जा रहा है और करंट उल्टा आ रहा है, तो प्लस सिखाया था आई आर दैट इज 4 ड्रॉप माइनस 5, ए पे पहुंच गए तो जहां पहुंच गए इज इक्वल टू वहां का पोटेंशियल, सो वी आ गया 4, वही हमने यहाँ यूज किया। तो ध्यान देना, क्लोज लूप में केवीएल लगाना और ब्रांच में केवीएल लगाना एक ही बात है, एक जगह से आपको स्टार्ट करना है ठीक है, और आपको दूसरी जगह पे जाना है, पर क्लोज लूप में जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आपको खत्म करना है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको, बोलो कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी ए माइनस वी बी कम्स आउट टू बी ई, वी ए माइनस वी बी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, क्या वो ई एम एफ के इक्वल आया, बिल्कुल। सो जब भी बैटरी करंट नहीं देती है तो उसके टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल। समझ में आ गया सबको, अच्छा अब इसी में दिस इज ए, दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज बी, सीधा याद रखना चाहो याद रख सकते हो। अब मान लो बैटरी करंट दे रही है, केस टू, वो केस वन था, बैटरी इज सप्लाइंग अ करंट, बैटरी इज सप्लाइंग करंट आई, आई करंट सप्लाई कर रही है बैटरी। ठीक है, सो बैटरी अगर आई करंट सप्लाई कर रही है, अब बताओ टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कर लोगे सॉल्व, तो कितना होगा टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस, अब ई के इक्वल नहीं होगा, वो तभी होगा जब बैटरी कोई करंट नहीं दे रही है। अब कितना होगा, स्टार्ट करो केवीएल, ए से स्टार्ट किया वी ए, ड्रॉप माइनस ई और करंट आई ऐसा आएगा, दिख रहा है, तो उल्टा जा रहे हो तुम, तो प्लस आई आर दैट शुड बी इक्वल टू वी बी, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर विच इज लेस देन ई। ठीक है, ई एम एफ से कम आएगा। और केस थर्ड उल्टा, जब बैटरी को करंट सप्लाई किया जा रहा हो, सो ये E, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस R, दिस इज B, अब बैटरी को करंट दिया जा रहा है I, अब बताओ कितना होगा, लगा लोगे खुद से, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी विल बी ई प्लस आई आर विच विल बी ग्रेटर देन ई। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल। तो सेल की EMF क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, समझ में आ गया, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, वो EMF से अलग क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, आधे लोग क्या कर देते हैं उसकी ईएमएफ निकाल के आ जाते हैं, नहीं, उसमें आपको इंटरनल भी कंसिडर करना है। टर्मिनल का ये मतलब होता है, सपोज ये 5 वोल्ट और ये 2 ओम और ये ऊपर 3 ओम, तो अगर क्वेश्चन पूछे इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब इन दोनों के अक्रॉस मांग रहा है, तो वो 5 नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा, कैसे, बैटरी आई करंट देगी, क्या आई निकाल लोगे, 5/5 दिख रहा है सबको, 1 एम्पियर, तो बैटरी करंट दे रही है तो टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सीधा याद रखना चाहो याद रख लो, दैट विल बी ई माइनस आई आर, ई कितना 5, आई कितना दिया उसने 1, आर कितना इंटरनल 2, दैट विल बी 3 वोल्ट, कर लोगे सॉल्व, तो इसके क्वेश्चन आ चुके हैं आपके नीट में। ठीक है, तो कल इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, एक दोस्त के क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम जंप करेंगे आपका नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, तो उसमें बल्ब्स वगैरह पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर कब होती है, कितनी होती है, और फिर उसके बाद आरसी सर्किट और इंस्ट्रूमेंट्स, तो पहले इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और आरसी सर्किट लास्ट में। ठीक है, आरसी सर्किट शायद नहीं हो पाएगा तो वो वेडनेसडे को हो जाएगा, तो वेडनेसडे को आपका चैप्टर कंप्लीट और तब स्टार्ट करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, कोई भी डाउट हो उसको पूछो और शीट जो मिलेगी उसको सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस पर फोकस करना। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो सब लोग।